मैंने गेस्ट पोस्टिंग करी थी और जहां से मेरे को लगभग 5K के आसपास पेज व्यूज मिला था आज से डेढ़ से दो महीने पहले। आज मैं वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो आपकी वेबसाइट्स के लिए। अगर आपका बिल्कुल नया वेबसाइट्स भी है फिर भी आप कैसे गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो और कैसे वहां से बेनिफिट ले सकते हो। तो यहां पे कुछ सवाल है जिस सवाल का मैं पहले ही जो है यहां पे जिक्र करना चाहूंगा कि मेरा एक सरकारी एग्जाम रिलेटेड वेबसाइट है, राइट, मेरा एक सरकारी रिजल्ट रिलेटेड वेबसाइट है, मेरा एक सरकारी एडमिट कार्ड रिलेटेड वेबसाइट है, मेरा एक सरकारी योजना रिलेटेड वेबसाइट है, क्या इन सब के नीच में भी जो गेस्ट पोस्टिंग किया जा सकता है? इन सब के भी नीच में जो बड़े वेबसाइट्स है जो जिसको हम लोग देखते हैं, जो फॉलो करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या फिर हमारा जागरण जोश हो गया, इन तरह का वेबसाइट क्या गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करता है? गाइस पूरा यहां पे मैं आपकी जो क्वेरीज है, जो क्वेश्चन है, उनकी पूरा यहां पे आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते रहना। गेस्ट पोस्ट रिलेटेड जितने सारे क्वेरीज है उन सारे क्वेरीज के आई थिंक इस वीडियो देखने के बाद आपको 90% से भी ज्यादा जो आपका कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सो गाइस यहां पे स्क्रीन पे भी आ चुका हूं और मैं यहां पे स्क्रीन के साथ-साथ मेरा यहां पे भाषण भी देता रहूंगा, लेक्चर भी देता रहूंगा और आपको कुछ मिनट तक यानी 7-8-10 मिनट तक इस लेक्चर को सुनना पड़ेगा तभी आप जान पाएंगे कि कैसे गेस्ट पोस्टिंग आप कर सकते हो, कैसे जो है आप क्या मतलब क्या सही प्रोसीड्योर है। ओके, सबसे पहला सवाल नंबर 1 कि भाई व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग। भाई गेस्ट पोस्टिंग सीधा एंड सिंपल मेथड कि हमने किसी अदर्स वेबसाइट के लिए एक ब्लॉग लिखेंगे और उस ब्लॉग से हमारे वेबसाइट के मतलब हमारे वेबसाइट तक जो है एक डू फॉलो लिंक आ जाएगा और जिसके लिए हम लोग लिखेंगे वो बहुत ही हाई ऑथोरिटी वाला वेबसाइट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडामेंटल से हम किसी के लिए काम करेंगे और उनके बदले हमको एक लिंक मिलेगा, राइट। तो काम मतलब कि हम एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। तो भाई सिंपल सा मेथड को इतना सिंपल दिखने से जो जितना सिंपल है उतना सिंपल तो है नहीं, क्योंकि हर कोई तो जो है हमारे वेबसाइट मतलब हमारे ब्लॉग आर्टिकल को जो है उनकी वेबसाइट्स पे इंटीग्रेट नहीं करेगा और वहां से लिंक को पास नहीं करेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहली बात क्या है कि नंबर 2 पे इस चीज को रखा गया है कि फाइंड वेबसाइट फॉर गेस्ट पोस्टिंग। जी हां, आपको गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपको वेबसाइट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहीं पे आता है सबसे बड़ा सवाल कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। जी हां, बात करेंगे वीडियो में, आगे बने रहना। तो उसके बाद कुछ और भी यहां पे ट्रिक्स एंड टिप्स मैं शेयर कर रहा हूं। जैसे कि जिस वेबसाइट के लिए आप लिखने जा रहे हो वो वेबसाइट आपके नीच रिलेटेड होना जरूरी है, डेफिनेटली। ऐसे नहीं कि आपने हेल्थ नीच पे काम करे और आपने यहाँ पे जो मान लीजिए कि आपने स्पोर्ट्स नीच के लिए आर्टिकल लिख रहे हो और वहां से जो आपने हेल्थ नीच पे बैकलिंक ले रही हो तो वो खराब बैकलिंक क्रिएट होता है, राइट। उसके बाद जो और भी एक ट्रिक्स है कि हाई ऑथोरिटी DFA वाला वेबसाइट होना जरूरी है, क्योंकि आप काम जब कर रहे हो ना, मेहनत लगा के आपने एक लेंदी सा आर्टिकल लिखेंगे, बड़ा सा आर्टिकल लिखेंगे, तो ऑब्वियसली आपने जो हाई DFA वाला वेबसाइट के लिए ही लिखेंगे ताकि वहां से आपको जो लिंक मिलेगा वो बहुत ही स्ट्रांग लिंक होगा, उसका ऑथोरिटी भी बहुत ही हाई होगा, राइट। एंड अगेन हम यहाँ पे ओपन करते हैं कि चेक कंटेंट क्वालिटी। यार यहाँ पे भी एक सवाल आ सकते हैं कि हाई DFA वाला वेबसाइट तो है बट वहाँ पे कंटेंट किस टाइप का है? भाई जेनरेटेड कंटेंट तो नहीं है, पायरेटेड कंटेंट तो नहीं है, कॉपी कंटेंट तो नहीं है। अभी शायद आपको दिख रही है कि हाई DFA वाला वेबसाइट है, इनका कोई इशूज नहीं है। आने वाले टाइम पर ये वेबसाइट पेनल्टी पा सकता है, ठीक है, और उस पेनल्टी का जो कुछ प्रतिशत जो है आप तक भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि जो जिस वेबसाइट को आपने चुने हो उस वेबसाइट की कंटेंट क्या है, ठीक है। कंटेंट की आप शायद एज ए कंटेंट राइटर, एज ए ब्लॉगर आपको पता लग जाएगा कि इस कंटेंट किस टाइप ऑफ कंटेंट है, कंटेंट का क्वालिटी कितना एनहेंस है, ओके, राइट। ये 4 ट्रिक्स आपको यहाँ पे मतलब 3 ट्रिक्स जो आपको देखना पड़ेगा, डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं, उसको अपने हिसाब से आप मेजर कर लीजिए। नंबर 3 में मैंने रखा हूँ कि यूज क्वेरी स्ट्रिंग फॉर फाइंड वेबसाइट। इस जगह को ध्यान से समझना कि उस वेबसाइट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, राइट। मेरा एक एडमिट कार्ड रिलेटेड वेबसाइट है तो मैंने उसको कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। यहाँ पे लिख के रखा हूँ, देखिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे आपका नीच टाइप करना होगा, जो भी नीच है, राइट। मेरा नीच था एडमिट कार्ड, मैंने एक एडमिट कार्ड रिलेटेड नीच पे काम कर रहा हूँ अभी भी और मेरा इस नीच के लिए मैंने बैकलिंक बनाए थे, हमने गेस्ट पोस्ट करी थी बहुत सारे, तो एडमिट कार्ड मैंने लिखा। और हाँ, लिखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो सिंगल वाला कोलन है उसको डालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंगल कोलन डाल दो, उसके बाद एक स्पेस डालो, उसके बाद आपने प्लस आइकन डालो, उसके बाद और एक स्पेस डालो, उसके बाद फिर से जो सिंगल कोलन जो है सिंगल कोट का जो कोलन है उसको डालो एंड उसके बाद यहां पे आप टाइप करो गेस्ट पोस्ट, GUEST गेस्ट पोस्ट,
राइट, एंड उसके बाद इस कॉलन को एंड करो एंड उसके बाद सर्च करो, एंटर बटन दबाओ। अब यहाँ पे देखो सबमिट अ गेस्ट पोस्ट pscwb.org.in मेरे को एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे मेरे को नहीं, गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। अभी गाइस यहाँ पे अपने सिंपल क्रोम ब्राउज़र पे इसको डालेंगे तो आपको बहुत कुछ नहीं पता चलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहूँगा, इसी क्वेरीज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। और भी बहुत सारे क्वेरीज की तरीका है, क्वेरी स्ट्रिंग की तरीका मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे नहीं, मैं चलता हूँ मेरे ब्रेव ब्राउज़र पे। ब्रेव ब्राउज़र पे मेरा क्या है, एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है जो कि मौज बार वाला एक्सटेंशन। अगर आपको मौज बार इंस्टॉलेशन नहीं आता है तो इस आई बटन पर आपको एक वीडियो दिख जाएगी, उस वीडियो को जाकर जरूर से चेक करना, ये मौज बार कैसे आप ऐड कर पाएंगे उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, राइट। जैसे कि देख पा रहे हो कि मेरा ही यहाँ पे रिसर्च भी चल रहा था, ct.nic.in एडमिट कार्ड जो रिलीज हुआ था उसके बारे में आज मैंने लिखा हूं, तो यहाँ पे इसको मैंने रिलीज अभी तक शायद नहीं हुआ है, आई थिंक अगर किसी ने सीटेट का बंदा देख रही है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसके बारे में मैंने लिख रहा था, तो यहाँ पे मेरा सर्च चल रहा था, ठीक है। तो हम नया टैब पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट मेरे को दिखाएगा, अब यहाँ पे जो वेबसाइट गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है उनकी सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे, सारे मतलब कि DAPA दिख जाएगा कि किस प्रकार से DAPA वाला वेबसाइट जो है इन सारे चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक वेबसाइट इसको एक्सेप्ट कर रहा है, एडमिट कार्ड रिलेटेड जो सबमिट गेस्ट पोस्ट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेस्ट पोस्ट आप एजुकेशन रिलेटेड गेस्ट पोस्ट डाल सकते हो। और यहाँ पे देखो राइट फॉर हायर सरकारी नगरी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड सरकारी नगरी जो कि सरकारी नगरी ninja.com बल्कि वेबसाइट जिसका DAPA आप चेकआउट कर सकते हो 11 और PA 20 है, और कुछ इस प्रकार से बहुत सारे वेबसाइट की लिस्ट आपको दिखा चुका है। अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, इस प्रकार से आप किसी भी नीच पे चल जाओ, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और भी दिखा देता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग, ओके सो मैंने यहाँ पे दिख दिया डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद गेस्ट पोस्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सारे राइट फॉर आस और यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट पोस्टिंग वाला वेबसाइट आ चुका है। इवन आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ब्लॉग भी मिल जाएगा जहाँ से आपको पर्टिकुलर पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए गेस्ट पोस्ट लेने वाला कौन कौन सी वेबसाइट है। और ऑब्वियसली आपने जो मौज बार को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप यहीं से पता कर पाएंगे कि इन सारे वेबसाइट की DAPA यानी अथॉरिटी कितना है। और भी बहुत सारे क्वेरी स्ट्रिंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो नीच लिखो उसके बाद प्लस लिखो उसके बाद गेस्ट पोस्ट लिख सकते हो, राइट फॉर आस लिख सकते हो, गेस्ट आर्टिकल लिख सकते हो, सबमिट आर्टिकल लिख सकते हो, सबमिट पोस्ट लिख सकते हो, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेरीज आप स्ट्रिंग को डाल के आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आया है आपके दिमाग में, उस सवाल का भी हम आंसर करेंगे, और क्या सवाल आया आपके दिमाग में वो हम खुल के बता देंगे आपको कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और क्या चल रहा है अभी तक मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो कि भाई ये मेरा क्वेरीज है, आपने इसको मतलब फुलफिल नहीं किया इस वीडियो के अंदर, तो मैं डेफिनेटली आने वाले वीडियोज में उसके बारे में डिटेल्स में बातचीत करेंगे। यहाँ पे देखो रीड केयरफुली टर्म्स एंड कंडीशन फॉर गेस्ट पोस्ट वेबसाइट, जिस वेबसाइट के लिए आपने गेस्ट पोस्ट करने के लिए जा रहे हो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको केयरफुली रीड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहा होगा, वो सवाल क्या है देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे अगेन। नंबर वन, माय वेबसाइट इज न्यू, यस सबसे पहला सवाल तो यह है कि भाई मेरा वेबसाइट तो नया है, क्या इस प्रकार से बड़े बड़े वेबसाइट्स हमारे नया वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करेगा, मेरे को लिंक देगा? जी बिल्कुल नहीं देगा। तो इसलिए आपको यहीं पे फाइंड आउट करना है कि आपका DAPA भाई 2 है, 5 है, 10 है या फिर 1 है, तो आप छोटा छोटा वेबसाइट को टारगेट कीजिए जिनका DAPA 5 से 7 है, 7 से 10 के अंदर है, उनको अप्रोच करके तो देखिए। आप पहले घबराए थे, मतलब आपने सही तरीके से काम कर रहे हो, सही ढंग से काम कर रहे हो, आपकी वेबसाइट की कंटेंट को वो लोग भी रीड करेगा, आपकी कंटेंट को रीड करेगा, आपकी कंटेंट की जो कंटेंट आप उन लोगों के लिए लिख के देंगे उसकी प्लगरिज्म को चेक करेगा, उसकी ग्रामरली को चेक करेगा, उसकी रीडेबिलिटी को चेक करेगा, राइट। तो सारा कुछ सही है तो डेफिनेटली आपको लिंक देगा। हाँ, ऐसे नहीं कि जो 50, 60, 70, 80 वाला वेबसाइट है वो आपको लिंक देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बट छोटे छोटे वेबसाइट को आप टारगेट कीजिए और उसके बाद जैसे जैसे आपका अथॉरिटी बढ़ता रहेगा और आने वाले टाइम पर आप काम को और भी बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो माय वेबसाइट इज न्यू फिर भी आपको मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं कि आप हाई अथॉरिटी से मिलेगा, ऐसा नहीं, बट लो अथॉरिटी या कम अथॉरिटी वेबसाइट से आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करेगा। नंबर टू, कि फिर भी आप चाह रहे हो कि हाउ टू टारगेट स्पेसिफिक वेबसाइट, आपने एक स्पेसिफिक वेबसाइट को चुने हो कि हमने जो है भाई टाइम्स ऑफ इंडिया को हमने गेस्ट पोस्ट सेंड करेंगे और कैसे भी करके जो उनके साथ हमारा लिंकिंग करना है, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। आपको करना क्या है, उनकी जितने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है उन सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे आपको फॉलो करना है, उनकी ब्लॉग को कंटिन्यूअसली रीड करना है, कंटिन्यूअसली उसके ब्लॉग पे कमेंट्स लिखते रहना है, ठीक है। मतलब कि उनके नजर में आपको आना है, ऐसे आप 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने तक कीजिए, उसके बाद एक दिन उसको अप्रोच कीजिए कि भाई मैं आपके लिए गेस्ट पोस्ट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर आप देखिए कि कब ऐसा कोई रिलीज करता है कि भाई मेरे को इसके लिए, उस वेबसाइट बहुत सारे वेबसाइट ऐसे रिलीज करता है, खुद रिलीज करता है कि मेरे को भाई डिजिटल मार्केटिंग के लिए
गेस्ट पोस्ट चाहिए, मेरे को भाई रेसिपीज के लिए गेस्ट पोस्ट चाहिए, मेरे को भाई एग्जाम के लिए गेस्ट पोस्ट चाहिए, तो उस प्रकार से गेस्ट पोस्ट का जो उन लोगों ने अनाउंसमेंट करता है तो उस टाइम आपको अप्रोच करना है कि भाई मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आप पहले से उनको फॉलो कर रहे हो, उनकी नज़र में आप आए हो, तो डेफिनेटली वो आपको सिलेक्ट करेगा ही करेगा, आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, ओके। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, और भाई ब्लॉगिंग ही तो लेंदी प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपने स्पेसिफिक कुछ ऐसे वेबसाइट है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। नंबर थ्री में सबसे बड़ा सवाल की बेनिफिट ऑफ गेस्ट पोस्ट, ये एक सवाल जो है बेकार का भी सवाल कह सकते हो या फिर बड़ा सवाल भी कह सकते हो। जी हाँ, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है अगर आपने रिलेटेड नीच रिलेटेड वेबसाइट को टारगेट करी हो, उनको गेस्ट पोस्ट दे पाई हो, ऑब्वियसली वहां से लिंक जनरेट कर पाए हो, तो डेफिनेटली जो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, मैं बता दूं कि लिंक रिलेटेड यहाँ पे कुछ बेनिफिट मेरे को लिखना चाहिए था, मैंने मिस कर चुका हूँ। लिंक आपको लेना है जो आपका आर्टिकल होगा, अपने जो आर्टिकल उनको सबमिट कर रहे हो, उनको सेंड कर रहे हो, उस आर्टिकल कितना वर्ड का होगा वो तो आपको उस वेबसाइट पे बता देगा, जिस वेबसाइट के लिए आप आर्टिकल लिख रहे हो वो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर बता देगा कि भाई मेरा इस वेबसाइट के लिए आपको लिखना है, भाई आपको कम से कम 1500 वर्ड का लिखना है, 2500 वर्ड का लिखना है, 1000 वर्ड का लिखना है, 700 वर्ड का लिखना है, तो जितने भी लेंदी हो जाए, बट आप ये कोशिश करें 200 से 300 वर्ड के अंदर अंदर आप लिंक ले लो, ठीक है। आप लिंक ले लो, कुछ ग्राफिक्स बनाओ, अच्छे से ग्राफिक्स वहाँ पे डालो, ताकि उन ग्राफिक्स को किसी अदर्स रीडर कभी भी आपके साइट के ऊपर आता है तो डेफिनेटली सेम टाइप ऑफ ग्राफिक्स बनाइए, आपके साइट रिलेटेड ग्राफिक्स या फिर इमेजेस बनाइए, ताकि उनको पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने इनको कहीं पर बड़े जगह जो फीचर होते हुए देखा था, ठीक है। तो एक ब्रांड बिल्ड भी होता है, एक लिंक बिल्ड भी होता है, एक अथॉरिटी भी बिल्ड होता है, और अथॉरिटी बढ़ते भी हैं। तो डेफिनेटली आपको पता लग ही रहा होगा कि बेनिफिट क्या है, गेस्ट पोस्ट का बेनिफिट बहुत ही अच्छा है, और गेस्ट पोस्ट करने की क्या तरीका है, कैसे आपको उसको फाइंड आउट करना है, कैसे लिखना है, ये तो आपका तरीका है कि आप कैसे लिख पाएंगे, या फिर ऐसे भी बहुत सारे वेबसाइट हो सकती है कि भाई हम लोगों ने ऐसे भी बहुत सारे वेबसाइट ऐसे बोलते हैं कि हमारे जितने सर जैसे ऐसे पोस्ट लिखा हुआ है उसी ढंग से आपको पोस्ट लिखना है, तो उसको आपको कुछ पोस्ट को रीड करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब चल के जो आप एक अच्छे ढंग से पोस्ट लिख पाएंगे, ओके। आई थिंक कि आपको पता लग गया कि कैसे गेस्ट पोस्ट किया जा सकता है, गेस्ट पोस्ट की क्या फंक्शनलिटीज है, क्या कॉन्सेप्ट है। आई थिंक मैंने पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी है, फिर भी किसी भी प्रकार के सवाल रह गया है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, आप कमेंट सेक्शन डेफिनेटली लिखो, आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ऐसे आने वाले वीडियोज देने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ही खुश रहिए, दूसरों को सारे खुशियां बांटते रहिए, बाय।